हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आजकल एक क्लासरूम कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें मैं अल्टरनेट डे पे वीडियो दे रहा हूं आप लोग को, और उसमें हम लोगों ने क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज उसी लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर आगे बनेगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 के आगे के क्वेश्चंस। जैसे कि मैं बुक्स देख रहा हूँ, हम पढ़ेंगे आज, टारगेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ जो बनाने का समय है थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मेरा टारगेट पॉइंट आज 4 क्वेश्चन का ही है। देखते हैं हम लोग इस 4 क्वेश्चन को कितने अच्छे से कर पाते हैं, और मेरी आपसे प्रॉमिस है कि हम अच्छा पढ़ाते ही हैं तो अच्छा करेंगे, क्यों नहीं। हाँ, एक बात और, आने वाले इस मंडे से फिर मैं, जैसा कि मंडे आएगा, आज जिस दिन ये वीडियो बन रहा है फ्राइडे है, 2 दिन के बाद मंडे से मैं आपको क्लासरूम कोर्स का रेगुलर एक वीडियो दूंगा। आप जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से आप लोग अपने आप को बैकअप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और मंडे से रेगुलर क्लासरूम कोर्स का एक वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग का सिलेबस टाइम से ही ख़त्म हो जाएगा। टाइम से ख़त्म होने का मतलब क्या, कि जैसा मैंने आप लोग को क्लासरूम कोर्स में बताया था कि हम लोग का सिलेबस मैक्सिमम अक्टूबर 30, ऐसे तो 31 को मंथ लगता है, लेकिन अक्टूबर 30 तक हमने बोला था कि 30 अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी के 3-4 महीनों में मैं बहुत अच्छे से रिवीजन कराऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। सेम प्रोसेस वही होगा, मैंने, मेरे पास कुछ वर्क्स थे तो मैंने उसको कंप्लीट करा लिया है। अब मैं काफ़ी हद तक, मतलब पढ़ाने को लेकर के निश्चिंत हूँ, तो आप लोग भी रेडी हो जाएंगे, क्लासरूम कोर्स का रेगुलर एक वीडियो आएगा। तो चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। क्लासरूम कोर्स की तरह, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, मैं लिखूँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, थोड़ा हंसी मजाक होगा, थोड़ा गप सप होगा, तब पढ़ाई होगा। ऐसा नहीं कि स्टैच्यू की तरह बैठे हुए हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करते हैं। कुछ बच्चे बीच में मैं नाम लूँगा, कुछ बच्चे मना करके भेजते हैं हमारे पास। एक्सरसाइज मैं 5.5 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल एक बार मैं मैच कर लूँ, वीडियो का क्वालिटी वगैरह देख लूँ। हाँ ठीक है, तो देखिए भाई, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमारा क्वेश्चन है, वैसे ही हम लिखेंगे जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ। आप बुक्स में देख लेंगे, लेट एनसीईआरटी बुक है। वाई बराबर, इसको हिंदी में बोला जाता है माना, वाई बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, डॉट एक्स प्लस 4 जरूर दिया हुआ है, हाँ ठीक है, इसका होल क्यूब दिया हुआ है, फिर डॉट एक्स प्लस 5 भी दिया हुआ है, इसका होल पावर 4 दिया हुआ है। इसको आपको बनाना है किस भाषा में, लॉगरिदम पे, जो मैंने पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ कि ये लॉगरिदम पे ही बनेगा। अगर दूसरे मेथड से बनाएंगे तो आंसर ठीक होगा, अच्छा माना जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं माना जाएगा, नंबर कटने की संभावना होगी, क्योंकि सभी को लॉगरिदम बेस पर ही क्वेश्चन बनाना रहता है, इसलिए लॉगरिदम पर ही इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आप वही भाषा लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इसके नीचे, जो कि मैं अब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। इंग्लिश में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए देखते हैं, जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो ऐसे यहाँ पर ये लॉग वाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 4, थोड़ा लग रहा है ज़्यादा इंक लग गया है, होल क्यूब, और एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंक लग गया है, चलिए ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। ये वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रह जाएगा, इस पर कुछ वर्किंग होगा। मैं आपको याद करा दूं, मैंने आपको बताया हुआ है
लॉग एम और एन होता है तो लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर यही क्वेश्चन या फार्मूला आपको ऐसे हो जाए लॉग एम एन और मान लीजिए पी मान लेते हैं, मैंने पी मान तो वो नहीं लिख रहे, वो गोल लगता है, तो इसको लिखेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो ये पार्ट भी वही है, समझ लीजिए कि ये इतना पार्ट जो है एम है, इतना पार्ट जो है एन है और इतना पार्ट जो है पी है। कल मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, आप ही लोगों में से शुभम जी ने फ़ोन किया था, वो बोल रहे हैं कि सर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पहले का जो लेक्चर है 50 मिनट का बना हुआ है। उनका कहना है सर बहुत अच्छा रहा, 3 क्वेश्चन आप कराएं बहुत बेहतर लगा। और भी कुछ बच्चे हैं जैसे कांटेक्ट में आदित्य कुमार हैं जिनको मैंने कई बार बताया, राजकुमार से भी बात होती है, और लड़कियां हैं अक्षरा है या और भी लड़कियां हैं, वो सब का कहना है कि आप पढ़ाते रहिए, कंटिन्यू कीजिए कि हम लोग की पढ़ाई निकले। तो आप सभी जो शेष बच्चे भी हैं क्लासरूम कोर्स के, वो लोग भी आएँ पढ़ें, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए हम बात करते हैं, तो बात आती है इस क्वेश्चन में कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं लॉग एक्स प्लस 3 का पावर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का पावर 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4। ये समझिएगा ये इतने पॉइंट्स हैं और ये है लॉग वाई। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है मैं पहले ही बता चुका, अभी भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि इसमें पावर व का सिस्टम भी चलाना है। तो फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको 2 log x+3। क्यों? क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 log एक्स प्लस 4, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 log एक्स प्लस 5, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे जो समझ रहे हैं जान रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फिर से बोल देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, पूरा पूरा हिंदी। चलिए तो जब यहाँ पर आप लिखिएगा तो यहाँ पर लग जाएगा d/dx log y। मशीन है, इसको मशीन बोले हुए हैं याद होगा आपको, ये 2 हो गया, d/dx बाहर आ जाएगा, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, log x+3। अब जो बच्चा चेन रूल पढ़ा होगा वो इसको फटाक दे बना देगा, फट दे ऐसे, ठीक है। लेकिन जिनको चेन रूल में दिक्कत होगा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल देखिए, फिर 3 बाहर, d/dx log x+4 या 4, भाषा है समझना है, +4 d/dx log x+5। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आपको बहुत बार सिखा चुके हैं पीछे के क्लासेस में भी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 2, इसको चेन रूल पर थोड़ा पढ़ा देते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे। d/dx+3 और यहाँ पर log है x+3, फिर dx+3 और ये हो जाएगा आपको dx। इतना का ये ऐसे डिफरेंशिएशन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। फिर +3 d/dx+4। मैं जानते हैं मैं इस तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कोई अलग से भी बच्चा मेरे पास आए ना इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, तो उसको ऐसा ना लगे कि सर केवल अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सभी को पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि ये तो YouTube है, ठीक है ना, ये तो YouTube है, इस तो दुनिया के हर कोने में ये वीडियो चला जाएगा, बस आपको खोजने की ज़रूरत है, सर्च करने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा तो स्लो पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चों को भी समझ में आए, कोई दूसरा बच्चा आ जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। तो यही बात है, चेन रूल लग रहा है, और लॉग एक्स प्लस चार डी एक्स प्लस चार बाई डी एक्स, एक ये बचा हुआ है, लिखते हैं इधर, आशा करते हैं आ जाएगा इतना में। फिर फोर है डी एक्स प्लस पाँच, नीचे यहाँ लॉग एक्स प्लस पाँच, ठीक है, डी एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स। अगर थोड़ा बहुत ना दिखे तो मेरा आवाज़ सुन के ज़रूर कवर कर लीजिएगा, वैसे मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है, आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो लोगर थे डिफरेंशिएशन होगा, तो ये टू का टू रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाई एक्स प्लस थ्री, और ये हो जाएगा एक्स का वन और थ्री का जीरो। आप लोग को बहुत पढ़ाया है, बात समझिएगा, एक्स का डिफरेंस वन, थ्री का जीरो, इसका हो जाएगा थ्री वन बाई एक्स प्लस फोर, और इस एक्स का वन फोर का जीरो। खूब अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे भाई आप सभी लड़के लड़कियाँ। फोर वन बाई एक्स प्लस फाइव, ठीक है बाबू, और ये वन प्लस जीरो। थोड़ा आप कर लो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे ना आए, मैं यहाँ से लेकर के आऊँगा, ठीक है, जल्दी कर लो, मैं एक मिनट का आपको समय देता हूँ, फिर भी वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप लोग के सपोर्ट की, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन सब कोई बुरे मन से नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत लगता है। पूरे मन से सपोर्ट करो कि और मजा आए। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं फिर से। तो मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से उठा के मैं लेकर आऊँगा, ध्यान रखना, कॉपी कलम लेके खूब अच्छे से लिखना भाई, ठीक है। देखो तो मैंने लिखा क्या, ये देखो यहाँ पर ये पार्ट तो रह गया वन बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। आई होप यू ऑल ऑफ एस यू अंडरस्टैंड, आप सभी समझ रहे होंगे। इसको अगर लिखा जाए पूरी तरह से, तो दिस इज टू बाई एक्स प्लस थ्री, दिस इज थ्री बाई एक्स प्लस फोर, एंड दिस इज फोर बाई एक्स प्लस फाइव। आई होप आप सभी को खूब प्यार से समझ में आ रहा होगा। अब मैं नीचे वाले पार्ट को तो मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, मिटा दिया मैंने। अब बात आती है कि इसके आगे क्या किया जाए। देखिए इसके आगे आपका ये प्रोसेस है, सबसे पहले बात देखा जाए तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो आपको आएगा वाई इज गोइंग टू दिस साइड। कभी कभी हम थोड़ा अंग्रेजी भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाते भी हैं, आता है थोड़ा बहुत सब, अंग्रेजी हिंदी भोजपुरी थोड़ा बहुत संस्कृत वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सब क्लासरूम की तरह पढ़ना है तो मज़ा तो आना चाहिए ना, ठीक है ना। देखो तो टू बाई, हंस रहे हो सब हमको पता है, तो हंस रहे हो तो कमेंट करा करो सब, तुम लोग कमेंटो नहीं करते हो, कितने बेवकूफ़ हो सब। हम एक ही बच्चा बच्चा सबको अपने मैंने स्टूडेंट को यही एक वर्ड यूज करते हैं, ज़्यादा तो उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ हो सब। ठीक है, बेवकूफ़ पे भी बात बताते हैं, थोड़ा रुक जाओ, एक बहुत अच्छा कहानी बताते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो देखते हैं अब इस वाई का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। देखो भाई वाई का वैल्यू है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स प्लस फोर का होल क्यू, हाँ ठीक जा रहा है, और एक्स प्लस फाइव का होल पावर चार, और ये बक्सवा, दिस इज टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस फाइव।
अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये आंसर है, ऑफ कोर्स दिस इज योर आंसर, बट एनसीईआरटी वाले भाई साहब जो उन्होंने किताब लिखा, बहुत लोग मिल के लिखे हैं, आंसर से आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप तो हमारे पास पढ़े हो, हम तो बताते हैं कि आंसर मैच ना करे तो वो मैच करा देंगे, वो तो हम सुपर बना देंगे, ठीक है। तो आंसर कैसे मैच करेगा, हम क्या करें कि आंसर मैच करें। लेकिन ये भी आंसर है, इतना कर दोगे ना तो भी पूरा नंबर मिलेगा। मैं रहूँगा तो मैं तो पूरा दे दूंगा नंबर, 5 में 5, ठीक है ना। 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अब सोल्यूशन कर रहे हैं, 3-4 मिनट और लग जाएगा। देखो लिखेंगे कि x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+4 का भी होल क्यूब आपका, ठीक है, x+5 का आपका होल पावर 4, ठीक है। और इसका हम लोग अंदरवा में एलसीएम ले लेंगे, तो ये तीनों गुना हो जाएगा, x+3, x+4 और x+5 बेहतरीन तरीके से गुना हो जाएगा। कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी होता है, तीनों का एलसीएम है, ठीक है। अब देखो इस पार्ट से ये पार्ट तो कट जाएगा, लेकिन जब इसको लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, तो यानी कि इसको जब सॉल्यूशन करते जाएंगे तो 2 x+4 इंटू चाहे ऐसे लिख दो, x+5 पहला पार्ट ये खत्म हो जाएगा, तो 3 x+3 और x+5। और फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ मेरे बबुआ लोग, देखिए अब हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कटिंग होगा, यहाँ पर आएगा 4 इंटू, ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा 4 x+5 तो कट जाएगा, x+3 और x+4 आएगा। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। और एक बात जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इसको कटिंग किया गया x+3 से x+3 को, तो ये 2 बार है तो ये 1 बार इससे कट के 1 बार हो जाएगा। x+4 है यहाँ पर, ठीक है, x+4 है यहाँ पर, x+4 से ये x+4 कट जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, और x+5 है तो x+5 से भी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास यहाँ पर आएगा बाबू dy/dx बराबर x+3, या आप कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ, x+4 का स्क्वायर बचा रहेगा, x+5 का होल क्यूब बचा रहेगा, अंदर में क्या बचा हुआ है देखिए, ये अब गुना होगा, ये देखिए ये 2 है रहेगा, x से x में गुना होगा x², x से 5 में गुना होगा 5x, और फिर 4 से x में गुना होगा 4x, और फिर 4×5 = 20, पहला पार्ट हो गया। अभी ये 2 पार्ट अभी देखना है भाई, देखो कैसे बनता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन बन रहा है फिलहाल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं आ पाएगा, बोर्ड से बाहर चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। 3 x² फिर +5x +3x फिर +5×15, फिर देखो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको 4 बाहर है, x² +3x +4x +4×12, x थोड़ा आगे पीछे लिख दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, फिर सीधा कर देता हूँ, x से गुना करोगे तो x², फिर x से गुना करोगे तो 4x, फिर 3 से गुना करोगे तो 3x और 4×12, या 3×4 तो होता है, ठीक है। फिलहाल इतना पे चलेगा, इतना आप समझ सकते हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, कोई जूनियर क्लास के तो है नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो जब इसको मैं मिटा दूंगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा x+3, x+4, x+5 का होल क्यूब, और यहाँ होगा समझना
टू एक्स स्क्वायर पाँच दूना दस सॉरी 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 अभी रुक जाओ टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस बीस, शायद दिक्कत हो रहा होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पाँच और चार को जब ऐड करेंगे तो नाइन एक्स होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर समझते हैं। थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच तीन आठ एक्स प्लस पंद्रह, और फिर ये हो जाएगा प्लस चार इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बारह चौका अड़तालीस फोर्टी एट। अब देखो बाबू, थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्या करें, पहले भी पता है तुम लोग को, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब। यहाँ देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस नौ दूना अठारह एक्स प्लस बीस दूना चालीस, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अठारह आठ तीर का चौबीस एक्स प्लस पंद्रह तीन पैंतालीस, इधर नहीं लिखते यहाँ लिखते हैं, प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात चुको ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर्टी एट फोर चार। अरे 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 अरे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, बारह का बारह ही रखना चाहिए था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, चार एक्स स्क्वायर चार, हाँ अब बार चुको अड़तालीस। अब ठीक है, कभी कभी जो है ना कैलकुलेशन में एक आध परसेंट मिस्टेक होने लग चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ये हो गया एक्स प्लस थ्री, ये हो गया एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को जोड़ो तो दो तीन पाँच चार नौ नाइन एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म को जोड़ो अट्ठारह अट्ठाईस और चौबीस। देखते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं अट्ठारह अट्ठाईस और चौबीस, आठ आठ सोलह चार बीस का जीरो, दो दो चार एक पाँच और दो सात सेवेंटी, यानी कि सेवेंटी यानी सत्तर एक्स, और कांस्टेंट को जोड़ लो चालीस है पैंतालीस है अड़तालीस है, चार तीन बारह एक सौ बीस, आठ पन तेरह एक सौ तैंतीस वन थर्टी थ्री। अब ये कंप्लीट हुआ भाई, तो देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में कितना मतलब परेशानी हो सकता है, कितना कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसको फाइनली एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसका डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ। देखो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेगा, देखो समझने की कोशिश करना। फाइनल डी वाई बाई डी एक्स लिखाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब। ये तीन पार्ट हुआ और एक पार्ट ये है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवेंटी एक्स प्लस वन थर्टी थ्री, दिस इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। ये सेम टू सेम आंसर किताब में भी दिया हुआ है, हम बताते ही हैं कि अच्छे से पढ़ाएंगे, पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, फिर भी कुछ बच्चे को कहना है कि वीडियो ठीक है, लंबा हो छोटा हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कर लीजिए, एक मिनट बाद मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मैं करूँगा अभी, मैं आपको चार क्वेश्चन कराऊँगा आज, कुल मिला अभी पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ है। वीडियो लंबा हो जाए उससे मैटर अब नहीं लेना है, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अब मैं छः सात और आठ तीन क्वेश्चन और कराऊँगा तब ख़त्म होगा आज का क्लास, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए। ठीक है, करो जल्दी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, फिर भी अगर नोट ना हो पाया हो तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और नोट कर लेंगे। देखिए तो हटा रहे बच्चों, अब क्वेश्चन छः आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से छः नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पर, एकदम सुटेबल ढंग से, मज़ा ज़रूर आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर छः, लेट यानी कि बच्चों माना
वाई बराबर, क्वेश्चन है आपके पास, देखिए मैं थोड़ा किताब लेकर ही आपको समझाता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। एक्स प्लस 1/x का पावर एक्स, कहिए वाह सर ऐसा भी होता है, हाँ जी, और यहाँ है एक्स का पावर 1+1/x, कहिएगा ऐसा भी होता है, हाँ जी। इतने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी बच्चों का जिम्मेवारी है कि खूब बेहतरीन से पढ़ाई करें। अब बात आती है बेवकूफ़ की, ठीक है? जैसा कि मैं बताया हूँ कि मैं बेवकूफ़ बात को बताऊँगा। देखिए मतलब सामान्यतः बात यह है कि मैं बच्चों को सामान्यतः मतलब जो बच्चे नहीं बना पाते हैं वो क्लास किसी भी क्लास के हो, ऐसे तो 11th 12th को मैं जनरली पढ़ाता ही हूँ, तो उनको मैं नहीं बनता था बताऊँ तो बेवकूफ़ है भाई, कुछ उल्टा सीधा कहने से अच्छा हमको बेवकूफ़ कहना ठीक लगता है। तो एक बैच था मेरा, ऑफलाइन बैच था, पढ़ रहा था लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, मैं पढ़ाने में तो बहुत पढ़ाता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑफलाइन बैच में भी बहुत समय देकर पढ़ाता हूँ। तो बैच चल रहा था, कुछ बच्चों ने शोर किया, और ये शोर शराबा जो है मेक नॉइज काफ़ी दिनों तक चलने लगा। मैंने कहने का मतलब है कुछ बच्चे पढ़ने में मजा ले रहे थे, अब कुछ बच्चे शरारत करने में मजा ले रहे थे, मोबाइल भी चालू हो जाता था क्लास में। अब सोच लीजिए उस क्लास में मज़ा नहीं आएगा जिस क्लास में बच्चों का मोबाइल खुल जाए, ये मेरी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चूंकि आज का डेट है, मोबाइल का ज़माना है, थोड़ा सुन लो नहीं तो भी मत करना, बहुत बतियाते हैं, ठीक है? तो मोबाइल का ज़माना है, बच्चे मोबाइल लेकर ही करेंगे, लेकर आते थे मोबाइल भी खुल जाता था, कभी कभी गाना भी बज जाता था। हमको तो भाई बहुत गुस्सा आया, हम तो बोलते हैं तुम लोग बेवकूफ़ हो, बहुत बेवकूफ़ हो, ठीक है ना? अब सोच रहे हो कि सर को गुस्सा भी आता है, ऑफकोर्स गुस्सा भी आता है, ठीक है ना? देखो ये देख रहे हो, बेत रखे हुए डंडा साफ मार के दें, सोच कर देते हैं क्लासरूम में। सोचे पीटते भी हैं। एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर पीटते भी हैं? ना भाई, दिखाने रखा, बस डराने के लिए रखे हुए हैं। अब सुनो, तो बेवकूफ़ बोल दिए, कुछ बच्चों को बाहर भी कर दिए, क्लास वलास ख़त्म हो गया, लास्ट में जो को बेवकूफ़ बोले थे वो बच्चों को हम बहुत मानते थे, फिर भी शरारत किया था तो बाहर निकाल दिए थे भाई। तो कह रहा सर माना कि हम लोग गलती किए हैं, गलती तो आप भी किए हैं। हम कहें गजब, हम क्या गलती किए हैं भाई? तो कह रहा सर हम लोग तो मान लीजिए बच्चे हैं, कुछ बोल दिए, आप भी तो हम लोग को बेवकूफ़ बोले हैं। हम बैठ गए चेयर पे अपने क्लासरूम में, कहाँ से बैठाएं बाबू बताओ, तुमको कोई उल्टा सीधा लैंग्वेज का यूज नहीं किया, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बेवकूफ़ ही ना बोले हैं, हाँ कोई गाली गलौज तो नहीं किए हैं, हाँ तुम लोग को प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत सारी बात समझाएं। और उसके बाद क्लास ख़त्म हो गया, ठीक है? उस क्लास में एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ था, उसको भी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही रहने देते हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? देखो तो बात आती है इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, जो इससे कि मैं बताया हूँ जब जोड़ में हो तो जोड़ पे बनाते हैं क्वेश्चन। तो देखो भाई कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले लिखना पुट, क्या लिखोगे? पुट, PUT, पुट। यू बराबर एक्स प्लस 1/x का पावर एक्स एंड भी बराबर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना, पुट को माना ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एक्स का पावर 1+1/x, दिस इज योर यू एंड दिस इज योर भी, देन वी राइट हेयर, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे वाई महाराज यू प्लस भी हो गए, समझ रहे होगे? बिकॉज दिस इज यू दिस इज भी। अब आगे जब बढ़ोगे तो आएगा DY/DX, इसको हिंदी मीडियम में क्या बोलोगे चाहे अंग्रेजी मीडियम में? डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी मीडियम में दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा DU/DX एंड दिस इज DV/DX। नेक्स्ट वी राइट हेयर, नो नो बस ये यहीं तक हो गया, इसको हम एक नंबर इक्वेशन बना देंगे। अब बाबू लोगरिदम के हिसाब से एक और अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे,
आप फिर काम करेंगे, देखो कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करना। लिखेंगे कि सिंस u बराबर हमारे पास है x प्लस वन बाई एक्स का पावर x, लिखोगे इंग्लिश मीडियम में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी मीडियम में लिखोगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब दोनों तरफ लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग वाई लॉग यू बराबर लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स। फिर जिस भी इसको आगे बढ़ाओगे तो ये लॉग यू रह जाएगा और ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। सोच रहे हो क्या ये क्या हो रहा है? बाबू थोड़ा सा अपडेट रहना सब, मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, नियम के हिसाब से सही चल रहा है, ठीक है, इसको हमने आगे करा है। अब देखो, अब इस पर जब डिफरेंशिएशन लगाओगे यहाँ पर d बाई डी एक्स और यहाँ पर log u, यहाँ फिर भी लिखोगे d बाई डी एक्स एक्स log x प्लस वन बाई एक्स। अब इसके बाद का मैं बताता हूँ, यहाँ पर इस वन को रहने देता हूँ, चाहे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ या इसको वन को लिख लो, पहले इतना लिख लो, एक मिनट समय दे रहे हैं, लिखो। लिखो एक मिनट समय देता है। चलो तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग भी जल ग्रहण कर लिया कीजिए, सुबह सुबह का टाइम रहता है। हट जा रहे हैं, नहीं तो कहेगा सबके सामने होके पानी पीते हैं। लिखो आशा करते हैं नोट कर लिए होगे, बुरा भला कुछ मत बोलना सब बाबू, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको देखो। तो ये हमारा वन है, याद रखना सब, इसको मत भूलना, इसको भूल गए ना तो सब कुछ भूल जाओगे, याद रखना। इस पर भी एक बात बताएंगे तुमको, पहले पढ़ा लेने तो। तो मेरे बात कहने का अर्थ ये है, इसको कितना कहा जाए, तो इसको कहा जाएगा दिस इज वन बाई यू एंड डी यू बाई डी एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं बताया हूँ पहले भी। और इसको जो है ना, इतना को फर्स्ट फंक्शन और इतना को सेकेंड फंक्शन मान के आगे बढ़ जाना। तो कहने का अर्थ है, लिखोगे x d by dx log x plus 1 by x, कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी ये फर्स्ट है आई सेकेंड है, बुझा तनु, बुझाना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, फिर log x plus 1 by x d by dx और x, ये गुना का फॉर्मूला पर चला गया। अब देखो ये जो है 1 by u और du by dx अपने जगह पर है, और ये देखो ये x महाराज अपने जगह पर है। अब इनका डिफरेंशिएशन फिर से सोचना पड़ेगा, जिन बच्चों को चेन रूल आता है उनको प्रॉब्लम नहीं, जिनको चेन रूल नहीं आता है, मैं एक नया लेक्चर सीरीज शुरू किया हूँ कैलकुलस का 25 लेक्चर, जिसमें तीन लेक्चर या दो लेक्चर बन चुके हैं, ठीक है ना, उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, उसको आईएससी का कोई भी बच्चा देख सकता है जानकारी के लिए, कैलकुलस की जानकारी के लिए, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे सिंपल आईएससी का हो, पढ़ सकता है, जानकारी पूरा मिलेगा। तो देखिए एक्स बाहर है भाई, बाहर एक बाहर रहेगा, और यहाँ पर देखिए d बाई डी, इसको हम यहाँ पर बैकअप लगाएंगे, x प्लस चेन रूल है, और यहाँ log ठीक बा भाई x प्लस वन बाई एक्स, साफ क्वेश्चन है सब, दिमाग लेकिन गर्म कर देता है, मज़ा आ जाएगा। देखो फिर लिखोगे d x प्लस वन बाई एक्स बाई डी एक्स, कहोगे कौन सा चल रहा अभी भाई, है ये फिल्म हुआ चल रहा है, ठीक है, अभी है फिल्म बाकी है ना, एक फिल्म आया था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है, समझो अभी
और इस पार्ट को देखो प्लस में यहाँ लिखते हैं लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स और दिस इज एक, एक होता है भाई, इतना रटा गया होगा। अब देखो फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो दिस इज वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर एक्स तो बाहर है और इसका डिफरेंशिएशन खोजबो खोजोगे बबुआ लोग तो हो जाएगा, बबुआ लोग बबनी लोग जो भी हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग का डिफरेंशिएशन वन बटा एक्स होता है, इसका वन का एक्स का वन और इसका वन बटा एक्स का वन बाई एक्स स्क्वायर वो भी माइनस लगा के। बाबू नहीं समझोगे ना तब प्रॉब्लम होगा, आज जो समझ रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अभी ये चल रहा है, ये मशीन चल रहा है। अब इसके बाद प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स अभी चलेगा, ये एक दो दिन और चलेगा। देखो आप देखो बाबू खूब अच्छे से देखना, वन बाई यू तो बाटे डी यू बाई डी एक्स होगा बराबर हैकर देखो हाई हो जाएगा एक्स बट्टा हैकर एलसीएम उलसीएम लोगे तो नीचे हूँ एक्स या तो ना इसका नीचे बटा एक मान के हाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, कहे कि अगर एलसीएम लोगे तो इतना आएगा। हाई सुनो हैकरो एलसीएम ले लो यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक से गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ हाई प्लस में है बाबू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। कहोगे कि इतना काम होता है, हाँ बाबू चलेगा, अभी तो दो गोरी पढ़ाएंगे, पढ़ना जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है आगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, हाँ जी ठीक है बराबर। अब देखो हाई एक्स वन है खुद के ऊपर चलाएगा, ये देखो कितना मजा आ रहा है। देखो ये जो टॉपिक है इतना टॉपिक को समझो पहले, ठीक है ये एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स है, तो ये जो सबसे नीचे वाला एक्स है ना माने एक दो तीन ये एक्स वा कूद के ऊपर चलाएगा, वो कहेगा हम ऊपर जाएंगे फिर वही कहानी, तो ये कूद के ऊपर चलाएगा तो ऊपर आएगा तो क्या होगा देखना समझना। एक्स इंटू एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सब मैथमेटिक्स का भाषा है समझोगे तो मजा आएगा। अब देखो हाई देखो हाई है एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर हाई है प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, इतना कर लो फिर मैं ऊपर लिख के और क्लियर करता हूँ इसको। देख लो इसको कहते हैं मैथ, एकदम मैथ है जो आपको आगे बढ़ा दे। आशा करते हैं कि निचुआ का नोट कर लिए होंगे आप लोग, और नोट नहीं हुआ होगा ना तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए ऐसा तो मैथ आया है लेकिन कोई बात नहीं, इसी से नंबर आएगा आईएससी में चाहे आगे के इंजीनियरिंग में, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है बबुआ लोग, तो मेरे बाबू लोग मेरे बबुआ लोग ये वन बाई यू है और यहाँ डी यू बाई डी एक्स है, कहोगे तो कितना घूमेगा घूमेगा, ठीक है साउंड थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है थोड़ा सा सोच लेना साहब। एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, इतना हुआ बबुआ हाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स और दिस इज वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी इतना हुआ है, अभी थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है बबुआ, पहले कर दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने का रिस्क सब कोई नहीं लेता, ये भी याद रखिए, मानते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाता है लेकिन ऐसे कोई रिस्क नहीं लेगा इतना डिटेल में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करे और आप लोग को पढ़ाए, मुश्किल है सबका
सबसे नहीं होगा, ये याद रखिएगा, मैं तो कर रहा हूँ और मंडे से आप लोगों को रेगुलर एक वीडियो मिलेगा। अब सोच के देखिए ना कितना मज़ा आएगा। आशा करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट कीजिए। चलिए निचुआ का मिटकार है बबुआ लोग, देखो सब खूब अच्छे से लिखते जाना भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो अभी तो आंसर थोड़े आया है, अब भाई यू जाएगा होने तो कहेगा हम आ रहे हैं, ये चला जाएगा, देखो कैसे जाएगा, ये डी यू बाई डी एक्स है और ये यू हो गया, डॉट लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स कहोगे, इससे भी होता है कोर्स होता है। अब देखो डी यू बाई डी एक्स है और यू यू का मान कितना भा भाई, तो यू के मान भाई है तो ना, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स है बाहर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये बाबू आपका एक पार्ट हो गया। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसर का पार्ट पर चलते हैं, जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है देखो, ठीक है ना जी, हाँ ठीक है, वीडियो तो भाई बड़ा हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो, इक्वेशन वन याद रखना, हाई वैल्यू वाई याद रखना, डी यू बाई डी एक्स का मान है तना आया है। अब चलो फिर समाते हैं, शुरुआत आता है यहाँ से इस क्वेश्चन का, मार्केट का थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करेंगे, मेरे आवाज़ को सुनेंगे और पढ़ाई करेंगे। बगल में मार्केट खुल गया है, सुबह का टाइम है लेकिन मार्केट खुल गया है, ठीक है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसी मेन इसी काम को ज़रूरत है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख लो खूब अच्छे से, देखना देखना है तो देखो ना। चलो जी, तो हमारे पास अब सिंस u भी बराबर है हमारे पास बच्चा लोग x का पावर वन प्लस वन बाई एक्स, देन वी राइट हेयर दोनों तरफ लॉग लेने पर, कहोगे का भाषा यूज करते रहते। देखो भाई मेरा मकसद बस एक ही है, तुमको पढ़ाना, भाषा थोड़ा सा चलेगा। चलो देखो, और ये हो जाएगा यहाँ भी लॉग x के पावर वन प्लस वन बटा एक्स, तो कहोगे ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ऐसे, ये लॉग भी है और ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, कहोगे वाह सर तो समझा रहे हैं अच्छे से। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा देना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ लॉग ऐसे डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लगाओगे डी बाई डी एक्स, ये लगेगा लॉग भी, यहाँ भी लगेगा d बाई डी एक्स वन प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी यही तो होता है, जिंदगी है, जिंदगी है ऐसे ही होता है। ठीक है बस अब देखते चलिए कितना मज़ा आता है। अब देखिए अब यहाँ पर आते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स होगा, ऑफकोर्स होगा, इधर जब आते हैं तो इधर ए गो बाहर हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स वह बाहर हो जाएगा। देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना, कोई कोई सोचता है कि भाई दोनों एक ही टाइप का है, थोड़ा सा डिफर है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स है, भाई एक्स का पावर है इतना नहीं है, थोड़ा इसको वन कर दिया गया है, क्वेश्चन भी यही है, ये मत सोचना कि एक्स लिख दे क्वेश्चन गलत दिया है, क्वेश्चन यही सही है, ठीक है ना। कभी कभी होता है आदमी ओवर थिंकिंग कर देता है, क्वेश्चन में गलती दिया है, कभी कभी भाई देता है गलती, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं है। ठीक है पढ़े आगे ना,
तो जब इसको आगे बढ़ोगे तो ये इस बाहर, सॉरी सर कहाँ थे हम, यहाँ पर थे, ये बाहर हो गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। और फिर लॉग एक्स जब बाहर होगा तो डी बाई डी एक्स वन प्लस वन बाई एक्स। अब देखो बाबू मेरे, वन बाई भी तो बाटे और डी बाई डी एक्स भी है बराबर, ये हो गया वन प्लस वन बाई एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स, इसका तो कोई बातें नहीं, ज़बरदस्त तरीका है। आगे बढ़ते हैं, ये लॉग एक्स को लॉग एक्स रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं इसको जीरो, और इसको लिख देते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमको यहाँ पर मिलता है वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स बराबर, आप समझिएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, सॉरी सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया, सुंदर से लिख रहे हैं, तो पहले पूरा एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, अब ठीक है। और उसी तरह अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी होगा, काहे नहीं होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा निचुआ, और लॉग एक्स से हाई एक्स नहीं कटता है, वो लॉग का पार्टी है, तो लॉग का पार्टी जो है ना नहीं चेंज करेगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी स्टेप लिखना ही है इसमें, देखते हैं एक स्टेप और समझते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखाएगा वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स, हाँ ठीक बटे डी वी बाई डी एक्स है बराबर, इसको लिखोगे एक्स प्लस वन बट्टा पूरा पूरा एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स बट्टा पूरा पूरा एक्स स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पर नहीं लिख रहे, इधर लिख दे रहे हैं, पहले नोट कर लो सब, इधर पेपर कम पड़ रहा है, बोर्ड कम पड़ रहा है, इधर लिखेंगे समझाएंगे तब तो क्वेश्चन कम्प्लीट होगा, कोई बात नहीं देखते हैं, अभी बहुत सारी बात बताने वाले हैं आपको, हम आपको नोट कीजिए ज़बरदस्त तरीक़े से, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो कि तुम इसी पार्ट को लेकर आओगे इधर बबुआ, तो इसको मिटका दे रहे हैं, ठीक बनो, अब देख लो कितना घिंचौल है, अच्छा ऐसे नंबर मिलेगा, तो देखो तब तुम लिखोगे डी वी बाई डी एक्स, तो कहोगे अच्छा डी वी बाई डी एक्स, आई भी कहाँ जाएगा, भी जाएगा उधर, तो जाएगा भाई भी गया, और ये बक्सा में दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन और माइनस लॉग एक्स, समझने की कोशिश कीजिएगा लोग, ऐसा ही आंसर दिया होगा। अब भी का मान कितना बटे, तो भी के मान भाई एक्स के पावर वन प्लस वन बट्टा एक्स, भी के मान है हो जाइए आपको एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर, ये कौनची है, ये है डी वी बाई डी एक्स, हाई है डी यू बाई डी एक्स, समझने की कोशिश कीजिए, दोनों का मान निकाल लिए, अब एक में पुट कर देंगे तो आंसर वा आ जाएगा, नोट कीजिए मैं समझाता हूँ। आज एक और बात बन गया है, बन का गया है, बढ़ गया है, ठीक है ना, पहले नोट कर लो, बताते हैं, अजब अजब कहानी हो रहा है लाइफ में यार, समझे आप बच्चे ही हो, ठीक है ना। देखो एक तो वीडियो बड़ा बनाना है, उस पर से थोड़ा वो तुम लोग को नहीं हंसाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है ना, तो एक बताते हैं एक बात, पहले नोट करा लेंगे लोग पूरा, तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा इंटरटेनमेंट किया जाएगा, हमको भी तो रिलैक्स चाहिए भाई, ठीक है। देखो आशा करते हैं नोट कर लिए होगा, अब हम कार जानते हो कहाँ करते हैं, ये दोनों तो नीचे घेर के रखे हैं एकदम, इसी को हटा देते हैं, देखो यहाँ पर समझाते हैं, बात समझ, तो हमको लिखना होगा डायरेक्टली इसके बाद देयर फॉर फ्रॉम वन, या अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण एक से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो हाई है डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का मान इतना इलबा, तो लिख देंगे x प्लस वन बाई एक्स के पावर x
और बक्सवा में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, उन्होंने जो आ रहा है वे लिखेंगे, अपना घर से थोड़े लिखना है, ठीक है। लगभग एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक पार्ट हुआ बाबू, ये कौनसी का मान भाई, ये मान हुआ डी यू बाई डी एक्स का, और फिर डी वी बाई डी एक्स का भी मान बचा हुआ है तो प्लस कहोगे, इतना उठपटांग आंसर होता है, क्या कीजिएगा। आप आई एस सी मैथ से कर रहे हैं, किसी से आप एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं मैथ से आई एस सी किए हैं, तो चौड़ा कैसे होगा, मेहनत कीजिएगा तब ना। देखिए तो एक्स का पावर हिमा बाटे वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक बा, हाँ इतने लिखाई है होगा एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अब पूरा बटा एक्स स्क्वायर, देख लिए बाबू, ऐसा का तो आंसर आता है, ठीक है। हाँ एकदम मियाज धन हो गया ना, कोई कहता धन हो गए प्रभु, ताई धन हो गया मिजाज दू गो क्वेश्चन बनाने में, अभी दू गो और बनाना है, देखो चुपचाप समझो, नोट कर दो फिर बताते हैं आज का कहानी क्या हुआ है। कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है ना तुम लोग को, देखो सुनाते हैं आज बहुत कहानी है मेरे पास। अभी मैं सोच रहा सर कहानी वाले हैं, कहानी वाले नहीं हैं पढ़ाने वाले हैं कहोगे कि सर खूब मज़ा लेते हैं, हाँ मज़ा नहीं लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं मज़े में। देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं, सात नंबर क्वेश्चन, और मतलब छोड़ो ना पहले पहले पढ़ने दो, अब देखो हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए होंगे, कुछ बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया है, अच्छा लगता है, आप सपोर्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, पढ़िए, मैं ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर वीडियो डाल के। जय हिंद, देखिए आगे समझाते हैं क्वेश्चन नंबर सात से पहले एक बात बताया जाएगा, मैं आपको बोला हूँ तो आप लोग भी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अभी आप लोगों को सात और आठ क्वेश्चन करा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन सात की बात करते हैं, क्वेश्चन सात लेट माने कि माना वाई बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स, ठीक बा भाई कोनो बात नहीं है, अब प्लस बक्सों में दिया है, हाँ जी बक्सों में दिया है, और फिर दिया है एक्स का पावर लॉग एक्स, ऐसा ही है, इसका भी बक्सा में दिया है ना, इसको बक्सा में नहीं दिया। अब देखो आज का हुआ क्या है, आज सुबह हम जगे हैं, जनरली साढ़े चार में जगते हैं, शायद हम साढ़े चार में जगे ही हैं, और फिर अपना मतलब नहाना धोना फ्रेशनेस वगैरह ये सब दिस डैट चाय पीना थोड़ा बहुत बिस्किट खाना, हाँ तैयार होना सब कुछ कर कर के सब छः सवा छः तक हम रेडी हो गए हैं। उसके बाद कहें चलिए कोचिंग वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है ना जी आप लोग के लिए, हाँ निकले हैं। अब जो मेरे को जानते होंगे बच्चे वो जानते हैं कि मेरे घर के रास्ते में कुछ दूर कच्चा रास्ता है मिट्टी वाला, और दो दिन से बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे तुम लोग क्या हुआ है। और हम बाइक से आ रहे थे और मिट्टी वाला रास्ता में कीचड़ बन गया है, बाइक फंसने लगा है फिर भी हम अकेले गाड़ी निकाल लिए हैं, तो थोड़ा सा प्राउड फील हुआ है कि चलो भाई अकेले भी गाड़ी निकल जाता है, लेकिन बहुत मशक्क़त करना पड़ा है, पाँच मिनट उधर लग गया है, पूरा पैर और में कीचड़ लग गया था ठीक है, फिर भी आए हैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग पढ़िए देखिए कितना मेहनत होता है आप लोग के लिए, आदमी सुबह जगता है नहाता धोता फ्रेश होके आके आपको पढ़ाता है, कुछ वीडियो बनाता है और उस वीडियो को फिर थोड़ा सा एडिटिंग करके बढ़िया बना के तब तो अपलोड किया जाता है आए, और आप लोग देखते कम हो, कोई कोई बच्चा नहीं देखता है, इतना इंसाफ़ी है मेरे साथ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए ठीक है मुझे इंसाफ चाहिए ठीक है कैसे मिलेगा, वीडियो देखो और वीडियो को वायरल करो, चलो ठीक है देखते हैं आगे बढ़ाते हैं चलो ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, फिर वही लिखा जाएगा पुट,
पी यू टी पुट, यू बराबर, भाई यू हटे, यू बराबर लॉग एक्स का पावर एक्स एंड भी बराबर एक्स का पावर लॉग एक्स। इसलिए वाई बराबर यू प्लस भी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, देन वी हैव डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो we take u equal to log x to the power x, therefore u equal to log x to the power x, and taking log on both side, so we write here log u equal to log x to the power x। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल दिया गया, हिंदी बता दिया जाए अभी, ठीक है। दोनों तरफ log लेने पर तो log x का पावर x हो जाएगा। नेक्स्ट log u इक्वल टू दिस इज बिकम्स दिस साइड, ये यहाँ आ जाएगा x log x। अब हम नाउ वी टेक डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लेंगे, देखिए कैसे लेते हैं। सो वी राइट हेयर, हिंदी मीडियम में बोलिएगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अंग्रेजी मीडियम में बोलेगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आराम से। तो डी बाई डी एक्स लॉग यू हवा टू बाबू, ठीक है ना, बराबर डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो जा रहा है, अब थोड़ा सा सिंसियरिटी पढ़ा देते हैं, ठीक। देखो एक्स लॉग एक्स, बोरिंग मत फील करना सब, ठीक है ना, थोड़ा लंबा वीडियो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बबुआ लोग 1 बाई यू एंड डी यू बाई डी एक्स, इसका होगा x बाहर d बाई डी एक्स log x, ठीक है, प्लस log x बाहर d बाई डी एक्स एंड x, ये तो वैसे ही चलेगा, इसको हम चलाते हैं यहाँ पर। देखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इसको सोचना, ये x है, ये d बाई डी log के बक्सा में log x है, इसलिए हम एक बार और log x यहाँ लिख देते हैं, log x log x, फिर ये यहाँ पर d log x dx प्लस, ये पार्ट हो चुका है बबुआ लोग, इस पार्ट को तो सोचते हैं, वहाँ लिखते नहीं, यहाँ पर लिखते, उधर कहीं नहीं दिखेगा तुम लोग को, log फिर बक्सवा में log x से बटे, इसका एक होगा क्योंकि dx का डिफ्रेंशिएशन एक होता है। आगे देखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इसको समझना, x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बटा log x, कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ बाबू होता है, log के बक्सों में जो होता है ना बटा में चल जाता है, और इसका हो जाएगा 1 बटा x, इस log का डिफ्रेंशिएशन अब प्लस log x, इतना हो गया। अब देखो कहोगे कि इस x से इस x को काट दीजिए, हाँ एकदम काट दीजिए, काहे नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे,
तो डी यू बाई डी एक्स है, वन बाई यू भी है, ये बच गया वन बटा लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स, इतना है बाबू। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे समझाते हैं, छापो सब, एक मिनट में छाप लो, ठीक है ना, एक मिनट में छाप लो। ढेर मेहनत करना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए, आप लोग भी तैयार रहिए, देखते हैं कैसा वीडियो आ रहा है, नोट करो। जल्दी कर लो सब, तो आशा करते हैं कि इसको हो गया होगा, नोट कर लिए होगे, फिर इसको समझो। तुमको इससे हम लोग को मतलब है, इससे मतलब नहीं नीचे वाले से, तो यहाँ पर ऐसे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर इसको फिर से लिखना है, देखो इधर वाला समझना। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स, कहोगे ठीक है सर डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ये यू इधर गुना हो जाता है, और इसका एलसीएम मैं ले रहा हूँ पूरा लॉग एक्स, पूरा एक्स लॉग एक्स इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और लॉग एक्स है तो ये तो वन ही आएगा, तो वन हो जाएगा, अब प्लस इसका जो होगा ना लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। आप समझ रहे हो, जिनको बटा के जोड़ाता है ना वो समझ जाएंगे। अब यू का मान रखना है आपको, देखो जब यू का मान रखोगे तो यू का मान है तुमको लॉग एक्स का पावर ऐसे एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग फिर लॉग एक्स और बटा लॉग एक्स। तो यहाँ भी एगो लॉजिक है बाबू, नहीं समझोगे ना तो गलती हो जाएगा, आंसर नहीं मैच करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका तो अभी फिलहाल काम नहीं है, मैं इसको रफ करके समझाता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। देखो मान लो कि ये लॉग को अगर हम ऊपर लाएंगे, नीचे नहीं लिया है आंसर में, नहीं दिया इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो इसको लाएंगे तो देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। इधर तो डी यू बाई डी एक्स ही है, और इधर जो होगा लॉग एक्स महाराज की पावर एक्स, और ये जो लॉग एक्स आएगा लॉग एक्स महाराज का पावर माइनस एक आएगा, बिकॉज इस लॉग एक्स के पास कोई पावर नहीं है फिलहाल, तो पावर नहीं दिखता है तो हम एक लेते हैं, एक ले है, लेकिन ऊपर आया तो माइनस में हो गया, समझने की कोशिश करने, नहीं तो आंसर में प्रॉब्लम होगा, तो फिर हमारा माथा खाओगे सब, माथा नहीं खाना है समझना है। अब देखो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो हमारे पास इसमें है वन प्लस लॉग एक्स फिर लॉग एक बक्सवा में लॉग एक्स, लगभग हम लोग करीब हैं आंसर के। अब ये दोनों आपस में सेटलमेंट करके, ये दोनों आपस में सेटलमेंट करके लॉग एक्स का पावर एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस लॉग एक्स फिर लॉग एक्स फिर लॉग और फिर लॉग एक्स हो जाएगा, आप समझ रहे होगे, इतना तो जरूर हो जाएगा। तो देखो बाबू ये हमारा डी यू बाई डी एक्स हो गया, कहोगे सर इतना उटपटांग, ना बाबू उटपटांग नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, इससे से आपको पाँच पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है। दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट हम कुछ और समझाते हैं, ठीक है ना, देखने की कोशिश करो। डी यू बाई डी एक्स निकालनी है, इसी बेस पर हम डी वी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर इतना कर लो, मैं इधर इसको लिख देता हूँ, फिर डी वी बाई डी एक्स निकालूंगा, फिर फाइनल आंसर होगा, जल्दी करो। फ्रूट खाओगे सब, रुको मैं बताता हूँ क्या फ्रूट खाना है, तो रुको दिखाता हूँ फ्रूट। देखो पहले पानी, हाँ बोतल से, पहले पानी बोतल का, और जो बच्चा है जानता है लिखो, पहले बताते हैं, और उसके बाद खाना है हमको देखो फ्रूट, कहोगे फ्रूट का खाते हैं, देखो ये दिस इज लीची, लीची फ्रूट है, बोला जाता है लीची फ्रूट है,
बगल में है लीची, उसमें से गिरा हुआ है, मैं इसको खा लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। जल्दी लिखो सब, अब ये मत कहना कि हम भी लीची खाएंगे, ठीक है ना? हम तुम लोग को खिलाएंगे जब कोचिंग ओपन होगा ना, तब। फिलहाल देखते हैं कैसा है, मीठा है कि तीता है, खट्टा है, तीता तो नहीं होता है ना, खट्टा होता है। लिख लो भाई, न तो कहोगे लिखने का हमें मौका नहीं देते हैं ना। मत खाना, खट्टा बहुत बहुत खट्टा है। फ्री का सामान ये होता है, आए हैं लीची मिल गया है फ्री में, पेड़ों में से गिरा हुआ था बगल में है ना, खट्टा एकदम, लग रहा था देखो ना कितना लाल है, लग रहा है पका हुआ है एकदम, बेकार है। तुम लोग भी कुछ खा पी लो, ठीक है, फिर बढ़ाते हैं। बाप रे बाप, चलो बाबू हो गया, ढेर मस्ती हो गया, ये वीडियो में ढेर मस्ती हो रहा है ना। तो बच्चों मेरे देखना, कि ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। दिस इज आवर डी यू बाई डी एक्स, सो वी राइट हियर, कि बाद में अगर काम बा डी यू बाई डी एक्स का मान हमारे पास है लॉग एक्स का पावर एक्स माइनस वन एंड वन प्लस लॉग एक्स, लॉग लॉगवा के बक्सा में लॉग एक्स, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब डी वी बाई डी एक्स का मान निकालना है, चलिए उस पर काम करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। बाप रे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, सिंस का सिंस देखो, भी बराबर है एक्स के पावर लॉग एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग भी बराबर हो जाएगा आपको लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स। फिर आगे लिखोगे लॉग भी, ठीक है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी होता है। इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो, एक चेन रूल पर बना सकते हो, वो गुन्ना के फॉर्मूला पर बना सकते हो। गुन्ना का फॉर्मूला पर बनाते हैं जिससे कि समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है, ठीक है ना। गुन्ना के फॉर्मूला पर बना देते हैं, चाहे चेन रूल पर, दोनों पर बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, गुन्ने का फॉर्मूला पर बनाते हैं, आसान लगेगा तुम लोगों को। क्या करते हैं, लिखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग भी बराबर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। अब कोई डाउट नहीं करेगा भाई, दोनों फार्मूला पर बन सकता है, ऐसा मत सोचिए कैसे ही बनेगा, बनाने के लिए हम तैयार हैं ना विकास कुमार। देखिए तो इसका एक स्टेप यहाँ लिख लेते हैं बाबू, देख, वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर हैकर लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, आगे पीछे हो रहा है। अब देखो यहाँ पर वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स तो अपने जगह पर है, आ इसका डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स, इसका भी लॉग एक्स अपने जगह पर है, आ इसका डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स। फिर आगे पढ़ोगे वन बाई भी, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स लॉग एक्स बाई एक्स, ये भी लॉग एक्स बाई एक्स, कहोगे तो दो गो है तो दो बार लिख दो, वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स टू लॉग
एक्स बट्टा एक्स, दो बार है। फिर कहोगे कि भी वाले को भेज दो उधर, तो डी वी बाई डी एक्स, भी चला गया गुना में, भी इंटू टू लॉग एक्स बाई एक्स, पहले नोट कर लो, नहीं तो कहोगे कि सर हबड़ा गए हैं। हबड़ा नहीं है, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, भले समय लग गया उसे मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, नोट कीजिए। मज़ा तो खूब आया आज, इतना मज़ा तो कभी नहीं आया होगा, इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड बन रहा है मेरे चैनल पर, डे बाई डे लंबा लंबा वीडियो बन जा रहा है। पिछला वीडियो भी 50 मिनट का बन गया था, ये तो गारंटी है डेढ़ घंटे का वीडियो जा रहा है। कहोगे सर डेढ़ घंटे का वीडियो पढ़ेंगे लोग, पहले ना बाबू तुम्हारे फायदे के लिए है, ठीक है। चलो हटाते हैं इधर का, देखो बो तो बाटे कंची हूँ अबा बोधे देखता निशान हमने के, तो फिर भीवा का मनवा रखा ही ना जी, तो जब भीवा का मनवा रखिएगा लो, तो डी वी बाई डी एक्स, अभी का मान है एक्स के पावर लॉग एक्स, और फिर टू लॉग एक्स, हाई लॉग का एक्स है और बटा एक्स, हाई एक्स वह फिर ऊपर आएगा। कहानी में इतना ट्विस्ट है ना, एक्स पावर लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर माइनस वन, कौन है हैकर, ऊपर आए तो माइनस वन हो गए, टू लॉग एक्स, कोई कोई होगा ना कहेगा कि हम अपना मत्था पकड़ के सर फोड़ लेते हैं, इतना मेहनत कौन करेगा, मेहनत करिएगा तो इंजीनियर बनिएगा, करिए काहे नहीं करिएगा, ठीक है। अब देखो हो जाएगा एक्स के पावर लॉग एक्स के पावर माइनस, काहे कि भाई दोनों मिल के सेटलमेंट कर लिया, इतना लिखा गया आई इंटू टू लॉग एक्स, ठीक है। अब एक किताबों में कुछ आंसर वाइज तरह लिखेगा, देखो बताते हैं, फाइनली बता देते हैं, पहले इतना कर लो, चाहे यहीं लिख देते हैं, देखो फाइनली लिखेगा डी वी बाई डी एक्स का मनवा, कहोगे मनवा हाँ, लिखेगा टू एक्स के पावर लॉग एक्स में से वन घटाते हुए लॉग एक्स, किताबों में कुछ डी वी बाई डी एक्स का मनवा इतना दिया होगा, ठीक है, ठीक है। निरहुआ के वो गोनो आया था कि निरहुआ का था कि कौन का हम नहीं जानते हैं, हम भोजपुरी फिल्म नहीं देखते, बहुत कम देखते, मेरा ठीक है, ठीक है। तो डेढ़ दो साल पहले की बात है, तो हम तो पढ़ाते हैं तो पूछते हैं, ठीक है। तो एक दिन पढ़ा रहे थे जूनियर बैच, आठवां नौवां का क्लास का कोनो बैच पढ़ रहे थे, तो हम क्वेश्चन बना दिए, कहना ठीक है, तो हमको पता नहीं था कि गाना आया है, ठीक है, ठीक है, छठ छठ पूजा के बाद में, तो बैठे तो बचवा सा मुस्कुरा रहा है, फिर क्वेश्चन को बना दिए, फिर पूछा ठीक है, तो फिर हम कह रहे मुस्कुरा कह रहे सर रे, तो कह रहे सर ठीक है, हम कहते मतलब, तो कह रहे लो निरहुआ के वो गाना आया है, ठीक है। तब हमको समझ में आया, हम बहुत इस सब में अपडेट नहीं रहता है, गाना वाना में तनिक कम अपडेट रहता है, वो भोजपुरी में तो साफ नहीं। चलो देखते हैं लास्टली, देयर फॉर बबुआ जी फ्रॉम वन, कहोगे आज खूब चाटे हैं दिमाग, चाटे नहीं है पढ़ाए हैं, तो याद रखना सब, ना तो दे फरा जाएगा मार के, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स माइनस वन बटे, ठीक बा, आ फिर बाटे तहनी के बबुआ लोग वन प्लस मिटकाओ तनी, ठीक बनो, वन प्लस लॉग एक्स, आ फिर लॉग बक्सवा में फिर लॉग एक्स, ये खत्म ही हैकर माना डी यू बाई डी एक्स के बगल में लिख दे रहा है, चूँकि बोर्डवा पर तो जगह है ले है, प्लस टू एक्स के पावर, सॉरी गलत हो गया, टू एक्स आ एक्सवा के पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स, हे आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर शायद सात था, ठीक है, सात नंबर का रिक्वायर्ड आंसर ये आपका है। अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे, आठ नंबर देख लीजिएगा, मज़ा आएगा ज़रूर आप लोग को, ठीक है ना, आठ नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मैं करा दूंगा तो भाई फायदा हो जाएगा, फिर अगला सेशन में चार क्वेश्चन कराऊंगा, फिर चार क्वेश्चन कराऊंगा, हाँ ठीक रहेगा, दो क्लासेस में हो जाएगा, क्या करोगे समय लगता है, तो इतना कर लो, नोट कर लो अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सात तक कर लिए, क्वेश्चन आठ भी कर लेते हैं तभी वीडियो एंड होगा, और आप लोग समझ रहे होंगे
वीडियो बड़ा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं तो हम क्या करें? हाँ, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस हम इतना ही कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एट इज सेइंग दैट, कह रहा है कि लेट वाई बराबर आपको साइन एक्स का पावर है एक्स, एक्स ही ना है जी, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो अब ये जो है दो तरीके का क्वेश्चन हो गया, समझ जाते हैं आपको। देखिए पहली बात तो आप जान गए होंगे कि जोड़ में है तो एगोड़ा के यू एगोड़ा के भी मान के बनाएंगे, 100% समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखिए पुट, हिंदी मीडियम वाले माना भी लिख सकते हैं, यू बराबर साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक बा भाई, कॉमा चाहे एंड लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं इसका हिंदी, भी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। अब लिखिएगा कि देयरफॉर वाई बराबर यू प्लस भी, क्योंकि दोनों जुट गया। फिर लिखिएगा कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया आपको डी यू प्लस डी भी, ऐसे डी यू बाई डी एक्स, और ये डी भी बाई डी एक्स, ये आपका एक हो गया। अब इसी बेस पर क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार इसमें एक बात बता दूं कि ये पहला वाला पाथ लोगरिदम पर बनेगा, दूसरा वाला पाथ चेन रूल पर सिंपल बनेगा, इसमें लोगरिदम नहीं लीजिएगा, इसमें लोगरिदम नहीं लगेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल बेस पर बनाइएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, 10 में जो पहला पार्ट है वो लोगरिदम पर बनेगा और दूसरा पार्ट सिंपल बेस पर बनेगा, जिसको भागा का फॉर्मूला कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम में डिवीजन रूल कहते हैं, उस पर बनेगा। बाकी 12-13 से थोड़ा सा तरीका बदलेगा, नियम तो वही है, लोगरिदम। फिलहाल देखते हैं। अब हम कहेंगे कि सेंस u बराबर साइन एक्स का पावर हमारे पास एक्स है, तो आप कहिएगा अच्छा तो लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स का पावर एक्स, कहिएगा अच्छा, फिर कहिएगा लॉग u एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, फिर कहिएगा अच्छा d बाई डी एक्स, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बबुआ लोग, log u d by dx x log sin x, ये बाहर आया है, समझने की कोशिश करना। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/u और du by dx, गुड। इसका होगा x बाहर d by dx log sin x प्लस लॉग साइन एक्स बाहर डी बाई डी एक्स और एक्स। इसको तो तुम इतना ही लिखोगे, लेकिन इसका चेन रूल लगा देना। चलो उधर लेके चलते हैं, यहाँ पर तो लिखोगे बाबू 1/u डी यू बाई डी एक्स, डी यू हटे बाबू, एक्स के एक्स से बटे हो, डी बाई डी लॉग के बक्सा में साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स लिख दोगे, यहाँ लॉग साइन एक्स लिख दोगे फिर से, फिर डी साइन एक्स, फिर डी एक्स, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर प्लस लिखोगे लॉग साइन एक्स इंटू वन, कहोगे का है इतना लॉग साइन एक्स, ठीक है बा है कर वन होला। आगे बढ़ोगे बबुआ, 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर एक्स, इसका हो जाएगा 1/sin x, आ इसका हो जाएगा cos x, आ इसका जो लिखे होगे log sin x। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे बाबू, या हमू बढ़ते हैं तो 1/, फिलहाल u रहने देते हैं,
अच्छा ओकरा के भेज देते होने डी यू बटे डी एक्स बटे यू होने गईल हाई एक्स हो गया हाई कॉवस एक्स बटा साइन एक्स हो गया हाई बक्सा है प्लस लॉग है साइन एक्स है। चलो यू का मान है साइन एक्स का पावर एक्स तो इसको लिख दो साइन एक्स का पावर एक्स बक्सों में लिख दो एक्स आकरा के लिख दो कॉवट एक्स कॉस बटा साइन और प्लस लॉग साइन एक्स संभवतः यही दिया होगा पहला पार्ट। ठीक है पहला पार्ट इतना ही देगा हाँ एकदम सही है पहला पार्ट इतना ही देना चाहिए। ठीक है तो ये पहला पार्ट हो गया du by dx। ठीक है बाबू आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब dv by dx निकालेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है खूब मने मज़ा आया आज आज जबरदस्त चला जबरदस्त। चलो हटाते हैं u का मान निकाल के हम लोग यहाँ रखे हुए हैं अभी का मान निकालना है यानी dv by dx का मान निकालना है। देखो भैया वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लिया करना। देखो लिखना सेंस भी महाराज बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स फिर लिखना अच्छा तो डी वी बाई डी एक्स एक सिंपल बनी बाबू तो लिखना डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स चेन रूल याद करना कि है तो डी वी बाई डी एक्स बटे तो ठीक है बा ठीक बा हेकरा के लिखना डी साइन इनवर्स रूट एक्स बटे आ डी रूट एक्स ही वहाँ आ डी रूट एक्स ही वहाँ आ डी एक्स कहे कि रूट एक्स मैच कर गया। अब जैसा कि तुमको याद होगा बबुआ लोग लड़के चाहे लड़की हो सबको डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स अगर हो तो वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है याद होगा 100% याद होगा होगा ना जी उसी बेस पर इसको तोड़िए इसको तोड़िएगा तो होगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और दिस इज वन बाई टू रूट एक्स। इस तरह इतना बार पढ़ाए हैं ना रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन के हटा गया होगा याद हो गया होगा। ओके अब देखो इसको हटा देते फिलहाल अब यहाँ पर जब हम आएंगे एक स्टेप एक दो स्टेप और बचा है ये डी वी बाई डी एक्स है यहाँ पर और जब इसको सोचोगे तो ये ऊपरवा तो वन हो जाएगा नीचवा हो जाएगा बाहर से टू और रूट अंडर वन माइनस खाली एक्स आई इंटू बाहरवा रूट अंडर एक्स कहोगे ये क्या हो रहा है। देखो भाई वन से वन में गुना तो वन ठीक बा वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ है तो इसका तो वन माइनस एक्स से होगा रूटवा से स्क्वायरवा हट जाएगा हाई ऐसे है। अभी दोनों को एक बार मैच कर दिया जाएगा मैच करने का मतलब डी वी बाई डी एक्स बराबर वन का वन और नीचे टू और पूरा रूट अंडर गुना होगा वन माइनस एक्स इंटू एक्स दोनों को रूट एक के संगे बना दिए फिर देखो फिर डी वी बाई डी एक्स खूब मतलब खिंचाई पड़ता है बाबू ऑफलाइन पढ़ाना भी आसान है ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मतलब मुश्किल होता है फिर भी तुम लोग सपोर्ट नहीं करते बस देखो तो ये हो गया वन बटा टू रूट अंडर गुना हुई बाबू कि इतने दे लेबा कि गुना कर लेबा तो गुना कर देते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर तो ये डी वी बाई डी एक्स का मान हो गया। अब हम ये आंसर कर देते हैं लिख लो एक मिनट और लेते हैं बहुत लंबा वीडियो हो गया अच्छा देखते हैं कोई बात नहीं तो देखिए आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे नहीं नोट किए होंगे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा खूब प्यार से सब समझा रहे हैं दो दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। लास्टली हम आपको यही बता रहे हैं कि डी वी बाई डी यू बाई डी एक्स का मान इतना है डी वी बाई डी एक्स का मान इतना है इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फाइनली। देखिए चार क्वेश्चन का टारगेट लिए थे समय ढेर लग गया ना लिखेंगे देयर फोर फ्रॉम वन एफ आर एम फ्रॉम वन तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही यहाँ पर लिखिएगा ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर
एक्स, बक्सा में एक्स, कोवट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग का बक्सा है, अब मिटका देते हैं के एक सीधे में लाइन में आंसर दे देते हैं बाबू, ठीक बा, प्लस वन बट्टा टू रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के आपका इतना आंसर हो गया। ये आप लोग का मैंने चार क्वेश्चन करा दिया आज। नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर आज जा रहा है, देखते हैं कब जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं इसके आगे के चार क्वेश्चन कराऊंगा। मिजाज तो थक ही जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सब पढ़ें, सब पढ़ें। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे बढ़ाने अपने को भी बढ़ाएँ, मुझे भी बढ़ाएँ, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।